हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं पीके टेक वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के USB पोर्ट को कैसे डिसेबल करते हैं। इसका डिसेबल करने का रीज़न ये है कि आजकल के डेट में डेटा ट्रांसफ़र का सबसे आसान तरीका अपने USB या पेन ड्राइव या कार्ड रीडर है, जिससे आपके लैपटॉप से कोई भी डेटा अपने पेन ड्राइव में ले सकता है। प्लस पेन ड्राइव से कोई भी डेटा आपको लैपटॉप में दे सकता है। तो इस रीज़न से आप USB पोर्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं सिक्योरिटी रीजन से, तो आप ब्लॉक कैसे करें, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको विंडो R प्रेस करना होगा। विंडो R प्रेस करने के बाद आपको रजिस्ट्री में जाना होगा। तो इसके लिए आपको regedit.exe टाइप करना होगा। टाइप करके ओके करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। इसमें 5 तरीके के ये दिखेंगे फोल्डर दिखेंगे आपको। इसमें सबसे पहले आपको आना है H की लोकल मशीन के अंदर। इसमें आपको बहुत सारे मेनू देखेंगे। इस मेनू में सबसे नीचे सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम मेनू को एक्सपांड करना है। इसके बाद आपको बहुत सारे मेनू देखेंगे। इसके बाद सिस्टम, इस मेनू में आपको करंट कंट्रोल सेट करके एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। इसके अंदर देखेंगे कि आप एक सर्विस नाम से एक मेनू दिखेगी, इसको एक्सपांड करेंगे। उसको एक्सपांड करने के बाद बहुत सारे आपको मेनूज दिखेंगे। इसमें आपको ढूंढना है USB STOR, जैसे कि इसमें अल्फाबेटिकल दिया हुआ है। M पे आए अभी, MNOPQRSTU। इसमें आपको ढूंढना है USB STOR, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे रजिस्ट्री फाइल दिखेंगे आपको, जिसमें आपको एक दिखेगा स्टार्ट करके। स्टार्ट नेम है स्टार्ट, टाइप है रजिस्ट्री DWORD। स्टार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद इसमें आप देखेंगे वैल्यू डेटा की जगह पे 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहता है, जिससे USB इनेबल रहता है। अगर इसको चाहते हैं डिसेबल करना तो यहाँ पे 4 करके ओके कर दीजिए। अच्छा, इससे केवल स्टोरेज डिवाइस ही डिसेबल होगा, आपका कीबोर्ड और माउस चलता रहेगा। तो 4 आप क्लिक कर 4 टाइप करके ओके कर देंगे तो आपका USB डिसेबल हो गया है। चलिए मैं देखता हूँ अपना USB लगा के। इस PC में आए, ये USB पहले से लगी हुई थी इसलिए यहाँ पे अभी शो हो रहा है। मैं USB को निकालता हूँ, यहाँ से निकाल दिया हूँ, अभी फिर से इंसर्ट करता हूँ। देखिए अभी तक आया नहीं, रिफ्रेश करना था क्योंकि ये USB पोर्ट डिसेबल हो चुका है। अगर इसको फिर से आपको इनेबल करना है तो वही पाथ जो आपको बताया गया है लास्ट में, USB STOR करके उस पर आएंगे। ये स्टार्ट में स्टार्ट आपको एक रजिस्ट्री फाइल दिखेगी, इस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे ऑप्शन पे जाएंगे और जो पहले वैल्यू दिया हुआ था 3, तो यहाँ पे 3 क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इससे आपका जो डिसेबल है USB वो इनेबल हो जाएगा। चलिए मिनिमाइज करके देखते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं।
पेन ड्राइव को मैं निकालता हूँ, रिफ्रेश करने से नहीं आया, फिर इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरा पेन ड्राइव डिटेक्ट हो गया। इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप या सिस्टम में यूएसबी को ब्लॉक या डिसेबल कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। थैंक यू गाइस।